हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर PA2 सिलेबस। सो प्लीज वॉच दीज वीडियोज केयरफुली एंड लर्न अकॉर्डिंग टू दीज वीडियोज। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आपकी इंग्लिश की बुक स्टार्टिंग इंग्लिश से आज मैं आपको आपका चैप्टर 18 द स्काई पढ़ाऊंगी। द स्काई मतलब आसमान। द सन इज इन द स्काई, सूर्य आकाश में है। इट इज ए हॉट बॉल, वह एक आग का गोला है। इट गिव्स अस हीट, वह हमें गर्मी देता है। इट गिव्स अस लाइट, वह हमें रोशनी देता है। बच्चों, सूर्य हमें क्या क्या देता है? गर्मी देता है और रोशनी भी देता है, प्रकाश देता है। इट मेक्स द प्लांट्स को ग्रो, पेड़ पौधे को बढ़ाता है। सूर्य की रोशनी जो होती है उससे पेड़ पौधे ग्रो करते हैं। एट नाइट, और रात में। द सन इज नॉट इन द स्काई, सूर्य आकाश में नहीं होता है। इट इज डार्क नाउ, रात में सूर्य आकाश में नहीं होता है और अंधेरा होता है। द मून इज इन द स्काई, चंद्रमा भी आकाश में होता है। द स्टार्स आर इन द स्काई, और तारे भी आकाश में होते हैं। तो बच्चों, ये बताइए आकाश में क्या क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा और तारे। सूर्य हमें गर्मी देता है, रोशनी देता है, और चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करता है, छाई देता है। चंद्रमा की रोशनी में आपने रात में देखा है चंद्रमा की रोशनी? यस। ये चैप्टर आपको पढ़ना है, याद करना है और फिर उसको अच्छे से तैयार करना है। ओके, थैंक यू।